डार्लिंग, तुम्हारी बाहों में मैं इसी तरह जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ओह हनी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कुछ भी हो, बहुत अच्छा है ये। तो इतने दिनों तक क्यों रुलाया डियर? बेवकूफ हूँ, जान नहीं सका। तो फिर तुमने अभी क्या जान लिया? लव इज सो स्वीट हनी। ये क्या? अभी तक क्या क्या करके क्या क्या किया और अब पूछ रहे हो कि ये सब क्या है? आई लव यू राम। तुम जिसे लव कह रही हो, ये घाव है, घाव। राम, इसीलिए तुम जैसी लड़कियों को देखकर मुझे चीप ओपिनियन हुआ। प्यार कितना महान है ये अब जाके मेरी समझ में आया है। रोजी, फिर कभी ऐसा बिहेव मत करना। प्यार क्या है वो अभी भी जाने लोगे ना? ये रोजी क्या चीज है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। व्हाट, इतना सडनली? नहीं हो सकता। ठीक है, आ रही हूँ। ओके, कहाँ जाने की बात हो रही है? क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? नहीं, डैडी सडनली आने के लिए कह रहे हैं। एनीथिंग स्पेशल? मेरी सगाई है। सगाई? क्या राम इतने जोर से चीखे? वो क्या है, अभी अभी जॉब में ज्वाइन हुई है और अभी सगाई, अभी शादी, इसलिए थोड़ा क्यों कर रहे हो यार? मेरा राम शादी खुद करेगा नहीं और किसी को करने में नहीं देगा। इसे प्यार और शादी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तुम अर्जेंट वाइजॉग जाकर शादी करो और हनीमून मनाने के लिए गोवा ही जाना। एनीवे, हार्टली कांग्रेचुलेशन। इस मौके पर सभी ऑफिस के स्टाफ को पार्टी, ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो हमेशा लोगों को याद रहे। क्या हुआ राम, कुछ बोलना चाहते हो? बोलो बोलो, जो मन में है बोल दो। अर्चना, दरअसल वो मुझे, आई डोंट बिलीव इन लव, मुझे लव शब्द से ही नफरत है, आई हेट इट। राम, अगर मैं अभी नहीं निकली तो आई मिस माई फ्लाइट हियर, आई मेक अ मूव हियर। ओके, बाय बाय। देखा तुमने इस घमंडी को, कितना ईगो है इसे। अब हमें अर्चना की शादी का आखिरी हथियार मिला है, उस हथियार से मैं अपने राम पर विजय हासिल करूंगा। आलम अर्चना, वो चिल्लाएगा इस तरह से।